नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। खबर आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जयनाथ सिंह ने बेलडाड में प्राथमिक विद्यालय पर किया वृक्षारोपण। कहा, बच्चों का जन्मदिन वृक्ष लगाकर मनाने का संकल्प लें। आपको बता दें, पर्यावरण को असंतुलन से बचाने रखने के लिए विश्वव्यापी संगठनों द्वारा कई अभियान और योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में विश्वव्यापी संगठनों ने वृक्षारोपण को एक अभियान के रूप में स्वीकार करते हुए वर्ष का एक दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की मान्यता दी। भारत विकासशील देश होते ही बढ़ती आबादी के कारण पर्यावरण संतुलन भी एक बड़ी समस्या है, जिसके चलते भारत में विश्व पर्यावरण दिवस को एक दिन न मनाकर पखवाड़े के रूप में देखा जाता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और भाजपा ने अपने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के को लक्ष्य के अनुरूप वृक्षारोपण में मदद स्वरूप निर्देश दे रखा है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जयनाथ सिंह ने महाराज स्थित बेलडाड प्राथमिक विद्यालय वृक्षारोपण किया और अपने संबोधन में उन्होंने पेड़ में अनगिनत लाभ बताया। और क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत माता की जय। आज विद्यालयों में गए हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे विद्यालय मिलते हैं जहां इतना सुंदर तरीके से एक परिवार की तरह से हमारे इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक आदरणीय चंद्र कौशिक जी ने जितना मेहनत करके पूरा रात दिन लगा करके इस विद्यालय को एकदम सजोया है, मैं सर्वप्रथम इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और यहाँ के स्टाफ जो लगन के साथ इनके साथ मिल करके काम कर रहे हैं, अभी रसोइये भी 5 लोग रसोइये भी यहाँ मिले, वो भी बेचारी महिलाएं बड़ी तन्मयता से अपने काम को ठीक ढंग से कर रही हैं। पूरा स्टाफ को मैं पहले बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जाते हैं लोग नहीं लगाते हैं, आप लोग वृक्ष लोग लगाइए, चाहे फलदार वृक्ष लगाइए, चाहे कोई भी वृक्ष लगाइए। अगर एक आदमी वृक्ष लगाता है तो जानते हैं कितना पुण्य मिलती है, पुण्य मिलती है। आप लोगों को मैं बता दूं कि अब उसकी गिनती नहीं की जा सकती, बड़ा पुण्य कार्य होता है। ये लाखों लोगों को ऑक्सीजन देता है। अभी आप लोग देखिए कि जब कभी कोई दिक्कत आती है, पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे लोग काम करके आते थे, खेतों से पीपल के पेड़ के नीचे रहते थे, स्वस्थ रहते थे। इसी तरह बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, जो भी आम का पेड़ है, आप लोग फलदार वृक्ष एक एक लोग संकल्प लेके जाएंगे अपने दरवाजे पे और यादगार रहेगी कि हमारे पिताजी ने इस वृक्ष को लगाया था, हमारी मम्मी ने लगाया था, हमारे भाई ने लगाया था। सबको यादगार रहेगी अपने बच्चों के जन्मदिन के दिन और बाहर से टोटल बच्चे फलदार वृक्ष देंगे। आप लोग उस बच्चे के जन्मदिन के साथ बच्चों को लेकर के माता पिता बैठ के एक एक फलदार वृक्ष लगाएंगे। हम मार साहब को कहते हैं, मार साहब अपनी तरफ से फलदार वृक्ष आपको प्रोवाइड करा देंगे। और आप सब आए।